भूखी मैंने देखी। दीदी कुछ खाओ, इतना सारा खाना रख दिया है प्लीज। और लग रहा है हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं सबके साथ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ओए लखनीत, सुबह हो चुकी है क्योंकि मेरी चाय एकदम डन। अभी क्या है ना, मैंने चाय में थोड़ा चेंज करा है, अब मैं चाय हल्की कम मीठी पीता हूँ, फीकी तो नहीं पी सकता लेकिन थोड़ा सा कम कर दिया है। बाबू सुबह सुबह चेहरे पे ऐसी उदासी और पूंछ हिला रहा है, ये डबल रिएक्शन क्या समझूं मैं? यस यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, एक्शन। वाओ, ये एंट्री थी आज भम्मू द सुपरस्टार की। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नहीं नहीं हो आप? नहीं, ऐसे पहले विक्रांत और गबराल में आता था, उसके बाल थे, है ना? बेतू उदासी। अच्छा फ्रेंड्स, अभी नीतू, अरमान भाई और कृतिका तीनों इधर आने वाले घर पे, लेकिन मैं जा रहा हूँ बुलंदशहर, मेरे को काम है बहुत अर्जेंट और मुझे लगता है शायद मैं ज़्यादा टाइम उनसे मिल नहीं पाऊंगा, तो नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलेंगे दोबारा, मेरी फ़ोन पे बात हो ही गई है। अच्छा नहीं लग रहा यार, क्योंकि मन करता है ना कोई अगर घर पे आ रहा है तो उससे मिलो अच्छी तरीके से, पर कोई नहीं यार, काम है तो वो समझते हैं वो भी इस चीज़ को। बाय मम्मू, जा रहा हूँ मैं, ठीक है, बाय। नमस्ते, आज तो हीरोइन लग रही हो बिल्कुल, देख सबको फेल कर दोगी। वाह यार, ग्रेट। भाई को भी नमस्ते करता हूँ, मैं निकलता हूँ फिर यहाँ से। भाई नमस्ते, निकल रहा हूँ, ठीक है, मिलते हैं फिर शाम को। तो जाने से पहले खुशखबरी के, मेरे निकलने से पहले नीतू और अरमान भाई दोनों आ चुके हैं यहाँ पे और मैं अब उनसे मिलकर निकलूंगा, तो कोई गिल्ट नहीं रहेगा मुझे। आए, मैं देख रहा था एक्ट्रेस कौन है यार ये। ओ वाह बहन, क्या लग रही है, बहुत बढ़िया। हाय निंदारा, दुखी हो गई? भाई भाई मैं अकेले ही ऐसा नॉर्मल लगता हूँ क्या? सारे सुपरस्टार घूम रहे मेरे आसपास यार, भाजी क्या लग रहे हो यार, क्या बात है, क्या? तो भाई हमारे लखन भाई जा रहे हैं हमें छोड़ के कुछ काम से, मुझे ऑलरेडी गिल्ट हो रहा है। इनको बहुत ही जल्दी हम चंडीगढ़ बुलाएंगे 15-20 दिन के लिए। बाकी लखन भाई बताओ क्या, 15-20 दिन के लिए और क्या भाजी, मेरा आधार वहीं का बनवा दो ना, एड्रेस चेंज करा लेता हूँ, वोटर आईडी सब वहीं का बना लूं। तो घर है तुम्हारा भाई, तुम मना थोड़ी कर सकते हो, उधर ही आ रहा हूँ। तो लक्ष्य तुम तो जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ, ठीक है, लखन को बहुत जल्दी है भैया आपको छोड़ के जाने की। नहीं, पूजा करके कुछ नहीं खाया मैंने, सिर्फ बादाम खाया है बस, और कुछ नहीं। उससे पहले खा लिया होगा कुछ? एक केला। दीदी कुछ खाओ, इतना सारा खाना रख दिया है प्लीज। मेरी नजर तो मिठाई पर है। अच्छा, मैं मिठाई पहले खाऊं? मिठाई खाना चाहती है दीदी, पहले कह दी पहले मैं मिठाई खाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं खाना हूँ। भाई अपनी अपनी फेवरेट मिठाई खिला दो, वो ही वो वाली कॉर्नर वाली, हाँ ये वाली खाकर देखो बहुत। हाँ मेरी जो शुरुआत हो रही है वो मीठे से हो रही है और पहले बड़ा को खिलाते हैं। कैसा है दी, अच्छी है? बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सोन हलवा जैसा टेस्ट है इसका, सोन हलवा। अच्छा, तो यहाँ पर हो गया है डन ब्रेकफास्ट। अब तो कुछ नहीं है, कब दिखा रही है, मतलब खत्म हो गया ना, ये दिखा रही हूँ। और यहाँ पर अब पिक्चर्स क्लिक होंगी। और लग रहा है हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं सबके साथ, प्लीज जल्दी से आओ। लक्स को, लक्स को कैसे मिस करके एकदम कैसे लग किया जाएगा, दो तीन घंटे मैंने राजमा रेडी तो कर दिए थे सुबह सुबह, मगर थोड़ा सा रहता है इसलिए मुझे घर जाना पड़ा इनको यहाँ पर छोड़ के। राजमा बना के फिर मैं वापस आ जाऊंगी फटाफट। यहाँ बना रहे सास बहू वाली, क्योंकि दीदी बिल्कुल बहू जैसी लग रही है, तो इसलिए हमने ये रोल दीदी को दे दिया। आपने नोटिस किया या नहीं किया, मैंने भी जैसा भी किया कि मॉम ने अपनी ड्रेस चेंज कर ली है। मॉम दिखाओ, तुरंत गई और चेंज करके आ गई। हम कहीं अब मॉम हमें लेकर जा रही है एक जगह पर जहाँ पर हम वीडियोस बना सकते हैं। मॉम कहाँ पर है, वो कितनी दूर है? मंदिर के हेलीपैड। ठीक, चलो यहाँ पे हो रहा है गर्मी में शूट, पर हमें गर्मी नहीं लगती शूट टाइम पे, हमें नहीं लगती गर्मी, जैसे ही शूट खत्म होगा उससे लगे कितनी गर्मी हो रही है। तो अब टाइम हो गया है भैया के विदा लेने का, और सच बताऊं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मॉम को ही बुरा लग रहा है, बट हम बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे। के दी बहुत जल्द दोबारा मिलते हैं, बहुत जल्दी पायलो चिकू के साथ। हाँ, सब साथ में मिलेंगे। तो दीपक, तो गाइज आई एम बैक एट होम और बहुत तेज भूख लग रही है, सबसे पहले तो भाग के जाने वाला हूँ नीतू के पास ताकि मैं जल्दी से खाना खाऊं। हाँ मम्मी, क्या हाल चाल? गुच्चू घर सुना सुना हो गया सच में, मेरा गुच्चू इसने याद करा मुझे।
तो फ्रेंड्स कुछ टाइम पहले आपने देखा था ना मेरे कैमरे का माइक, उसका वो चूड़ी होती है ना कसने वाली, वो टूट गई थी। तो ये ठीक नहीं हो रहा है, अब नया लेके आना पड़ेगा मजबूरी में। भगवान इतना खर्चा मत कराओ मेरा। टेस्टिंग 1 2 3 4 1 2 3 4 फाइनली ऑल वर्क डन। नीतू मेरे साथ नहीं है क्योंकि वो गाड़ी में सो रही थी, उसको पता नहीं किस चीज़ की थकावट हो रही है, शायद रात बहुत लेट सोई थी ना, सुबह उठ गई थी जल्दी। नीतू अच्छी नींद आ रही है क्या इतनी, चले अब। तो फाइनली हम आ गए खान मार्केट, और इस जगह का नाम चेंज करके रहना चाहिए खाना मार्केट, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम खाने आते हैं। चले सस्पेंस खुल गया, मेरे लिए नहीं आए यहाँ, गुची के लिए आए। आ रहे हम आपको बताया था कि इस जगह का नाम खान मार्केट नहीं खाना मार्केट होना चाहिए। तो आते ही हमने अपना काम शुरू कर दिया। आपको सिनेमैटिक शॉट देख के मजा आ गया होगा ना, खाना भी बहुत टेस्टी था। तो अब खाना सब डन, अब यहाँ से निकलते हैं। गाइस लुक एट दिस, कितना ब्यूटीफुल है, कलरफुल है ना काफी, रेनबो जैसा। लगन आपको और शॉट नहीं, क्योंकि मुझे डॉक्टर के जाना। चलो तो फाइनली अब सीधा यहाँ से घर जाएंगे नॉन स्टॉप। और आप एक चीज बताना, जो मैंने माइक चेंज करा है इस पे कुछ आपको फर्क पड़ रहा है आवाज का या नहीं, बताना यार प्लीज। हाँ हम घर पहुंच गए गाइस, लेकिन सबसे पहले कर रहे हैं डीजल फुल। और मैंने नीतू ने आज नोट करा कि हमारी गाड़ी हर तीसरे चौथे दिन फुल हो रही है। सामान ले लो, मुझसे नहीं उठाया जाएगा। क्यों नहीं उठाया जाएगा भाई, मेरा ये उठा लिया। मतलब एक अलग तरीके से काम बांटा हो, सामान उठाने का मेरा, खरीदने का इसका। बाय बाय। ये तो पीछे भी लेना है, ये भी लेना है, क्या क्या लूं मैं ये बता, कुछ गाड़ी में छोड़ने वाला है, रख दो मैं लेती सुबह। गुचू गुचू गुची कैमरे में देख रहा है, गुची कैमरे में, गुची ब्लॉगर है नहीं। ये सब गुची के लिए आया ना, ये आया है गुची बेटा तेरे लिए, बहुत सारा सामान आया आज। ये देखो पूंछ कितनी स्पीड से हिल रही है, ये न्यू एक फीट लेकर आई हूं, वो खिलाती कैसी लगती है इसको। गुची की ट्री बाजू भाई हमारा इंतजार कर रहे थे आज गेट पर खड़े होकर, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओए कितना सा बच्चा छिपकली का, नहीं तू देख, देखो बहादुर भाई कितना सा बच्चा छिपकली का देखा। अरे तुम्हें कोई फर्क ही ना पड़ रहा, अरे हाथ बच्चा उठा लेना उसे यार, जाने दो मार बता मामो। इसको क्या गोद में ले घूम रही हो, घुटने छुए आज, पैर छुए हैं सही में। मामू नमस्ते, क्या करना पड़ती है आज, मैं तो कुछ ना करा, मैं तो कहता आज माइक वाइक सब लेकर आया हूँ, अब आपकी वीडियोस बनेंगी एक नंबर की। अच्छा गाइस अब से मैं मम्मी को एक्टिंग लाइन में लेके आऊंगा, आप देखना। आज हम शीरो के लिए कुछ लेकर आए हैं, और शीरो से पहले तो बाबू ने छीन लिया। ये तो इतना भारी कैमरा है गाइस, मुझे ये कैमरा बहुत भारी लग रहा है। मॉम एक बार इस कैमरे को उठा के देखो आपको कैसा लगता है, भारी है ना। हाँ। मतलब कुछ देर के लिए तो ठीक है, लेकिन हाँ। अगर ये पूरे दिन मुझे को लेना पड़े तो मैं नहीं ले पाऊंगी। तो इससे व्लॉगिंग कर सकते हो आप? नहीं, लखन की बस की बात है, हम दोनों की नहीं है सच में। और बताओ मॉम कैसा रहा आज आपका दिन? मस्त रहा। क्या किया? देखो मॉम अभी भी शॉपिंग कर रही है। मम क्या रहा, क्या करा आपने आज? कुछ नहीं करा, जो रोज करते हैं रूटीन वाला, कहीं बाहर गई नहीं, बस बैठी रही, वीडियो देखती रही, टीवी देखती रही, कब तक देखूं वैसी, बस थोड़ा सा गाड़ी में घूमी आई। अच्छा शीरो को लेके? शीरो को घुमा के लेके आई। शीरो बहुत ज्यादा अपसेट है क्योंकि रिक्की नहीं है यहाँ पे, इसलिए ना मम। हाँ इसीलिए खाना नहीं खा रहा, बिल्कुल छोड़ दिया खाना, बिल्कुल भी नहीं खा रहा मम, बिल्कुल भी नहीं खा रहा। प्रे करो कि वो जल्दी खाना स्टार्ट करे। आज मैंने डॉक्टर के भेजा है ना। अच्छा फिर डॉक्टर ने क्या इंजेक्शन लग के आए दो, और उसने कुछ खाने की टैबलेट दी है तो वो मैंने खिला दी। जबरदस्ती खिलाई होगी? जबरदस्ती यार, इनके साथ यही दिक्कत है ना मॉम, पेट्स के साथ यही दिक्कत हो जाती है।
तो गाइस मैंने भी चेंज कर लिया, अब मैं बैठूंगा एडिटिंग पे ताकि आपको टाइम से व्लॉग मिले। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपको पता क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ करना। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ करना यार, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। 1 मिलियन होने वाले हैं बहुत जल्दी, और 1 मिलियन होने पर एक गिव अवे भी है, तो उसके लिए आप वेट करना। ठीक है, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।